길 잃은 동네 마주한대요. So hey everyone, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की जो वीडियो है वो है एक क्राफ्ट वीडियो. आप और मैं और आप साथ मिलकर हम क्राफ्ट करेंगे. सो आज की वीडियो में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं. दिस इज़ झाड़ी बोलते हैं ना, झाड़ी है. सो मतलब हम एक ट्री डेकोरेट करने वाले हैं क्रिसमस के लिए. सो मतलब इसका शेप अच्छा नहीं है, आप अपनी तरफ से एक अच्छा शेप झाड़ी ढूंढ सकते हैं जो कि जिसमें बेटर लगे ना. वैसे उतना भी बुरा नहीं, कोई बात नहीं, चलता है. तो मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही थी और मैं इसे किसी क्ले से बनाने वाली थी. और मेरे पास तीन ही कलर थे, पिंक था और पर्पल था और ब्लैक था एक. उसके अलावा बाकी कलर मेरे पास ख़त्म हो गए थे. तो मैं जैसा सोची थी शायद ऐसा नहीं बनेगा. और पर्पल कलर को देख के तो BTS की याद ही आती है, मतलब क्या ही बोले. और पिंक कलर को देख के ब्लैक पिंक की याद आती है. तो बेसिकली ऐसा हो रहा था, ब्लैक पिंक का कॉम्बिनेशन हो रहा था ये, तो अच्छा लग रहा था. अब साथ ही साथ पर्पल भी था मेरे पास. तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया बनाना, अब बना ही रही हूँ, कैसे बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा. तो यहाँ पे फाइनली मैंने बनाना स्टार्ट कर लिया था, बट वो जितना इजी दिख रहा था उतना इजी है नहीं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा उसमें शेप ना उसका आड़ा ना टेढ़ा हो रहा था. तो मुझे पहले वो उसके सर्कल सर्कल गोले बना के रखना पड़ा. उसके बाद जब वो थोड़े से ड्राई हुए उसके बाद मुझे फिर उसको लगाना पड़ा. बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि शायद मेरा पहली बार है और मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था, बिकॉज वो ढंग से बन ही नहीं रहा था. क्या बोल सकते हैं, मैंने कोशिश की उसको बनाने की और जैसे तैसे बनाई. मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सो आई वाज नर्वस कि ख़राब ना हो जाए, मेरा क्ले बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं. तो यहाँ पे मैंने गोले गोले बना के रख दिया था, उसके बाद में उसे वहाँ लगा रही थी तो सही लग रहा था. और जैसे तैसे उसमें ऐसे तीन कलर थे, अगर अदर कलर्स होते तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, बट मेरे पास तीन ही कलर था. अगर आप लोग के पास ज़्यादा कलर है तो आप ज़्यादा कलर उसमें ऐड कर सकते हैं. उसके बाद वो सादा सादा प्लेन सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें ग्लिटर डाल के देखती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि वो कैसा लगता है. तो मैंने ग्लिटर डाला था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरा मुंह खुला का खुला हो गया था लिटरली, कि इनका ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया. उसके बाद टास्क था उसे खड़ा करना, जैसे तैसे मैंने उसे एडजस्ट करके मैंने खड़ा कर ही दिया. सो गाइस ये रेडी हो गया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये. और ये ना और कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना रियल में लग रहा था. रियल में तो अलग ही ग्लो मार रहा था. एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. मतलब यहाँ पूरा गंदा कर दिया मैंने इसको बनाने के चक्कर में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना. ओके सो प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड ये थी मेरी मेहनत. एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भी मैं और वीडियोस लाते रहूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करना. तब तक के लिए बाय बाय.